सोना पंचायत में जो सर्वे करने वाला है उनका नाम नहीं जानते, लेकिन उसका फोटो यहाँ पर है। उन्होंने 2 लाख रुपया मांगा, हम 2020 से 2021 से हम उसको कागज़ दिए थे भरने के लिए सर्वे में, लेकिन हम लोग का नाम हटा दिया, बोला कि तुमको वो लोग दिया है 3 लाख रुपया, तुम दोगे 2 लाख रुपया, महिला हो तो तुम 2.5 लाख रुपया दो तो तुमको हम केस अथी चढ़ा देंगे, और नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे, तुम लोग दौड़ते रहो। मतलब सरकारी विभाग में आपसे बोला गया है? जी, सरकारी विभाग में बोला गया, पंचायत में। ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं? जी, महसोना पंचायत में। पूरे बिहार प्रदेश में है जो सुशासन बाबू की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी और तेजस्वी जी जो है सो लगातार एक एक गरीब महिला को जो है सो मदद करने के लिए आगे आते जा रहे हैं, लेकिन महिला के परिवार के लोग ही जो है सो अपने बगलगीर परिवार के लोग ही जो है उनके ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही मामला जो है सो हमारे साथ सामने आया है, हमारे सामने है। क्या कुछ नाम है मैडम? मेरा नाम हेमंती देवी है। क्या, कहाँ से आई हैं और आपको क्या कुछ प्रॉब्लम है? जिला से आए हैं, मेरा गांव झुड़ौना पड़ता है जी, और थाना रामगढ़ पड़ता है जी, और पंचायत पड़ता है महसोना जी। जी, वहाँ का कुछ ग्रामीण लोग जो ऐसा है, पहले तो हम लिखाएंगे कि मेरा कागज एक राजीव नाम के और रानी देवी नाम के हम कागज देकर चले आए थे, वो कम से कम 5 करोड़ के संपत्ति का था कागज, वो दोनों पति पत्नी मेरा कागज चुरा के भीम नोनिया को और प्यारे नोनिया को, बेटा को, मोहन को दे दिया, और दे देने के बाद वो लोग हम पर हमला कर रहा है। रानी देवी के घर पर हम धर के आए थे, रानी देवी के हाथ में दे के आए थे, तो राजीव, राजीव के पत्नी रानी देवी मेरा 5 करोड़ संपत्ति का कागज चुरा कर भीम नोनिया और मोहन नोनिया को दे दिया। अब उसी द्वारे दमंग के लेकर हम लोगों पर हमला कर रहा है, तो जमीन को हम कब्जा करेंगे, तुम्हारा पास क्या प्रूफ है? तो मेरा पिताजी 3 भाई है, तीनों भाई के पास का नाम है, एगो के शिव नारायण महतो, एगो के गेनौरी महतो, एगो के महावीर महतो, वो तीनों भाई हैं, और उसका तीनों भाई का पिता का नाम है माधो महतो, और उनका जो पुश्तैनी जमीन है खरीदगी जो दादा का जमीन है, तो उसमें 3 भाई का हिस्सा है, वो सब का हिस्सा वो लेकर अपना धीरे धीरे बेच रहा है, जितना भी बेचा है उसका हम निकाले हुए हैं बाजाप्ता कॉपी, और हम लोग के भी हमला कर रहा है, हम लोग जमीन पर चढ़ते हैं तो दमंग के द्वारा जो कागज रानी देवी और राजीव ने चुरा के दे दिया 5 करोड़ का जमीन कागज, अब वो लोग बालू माफिया है, लखीसराय का बालू माफिया है, बावन भूमियार है, और उसमें कुछ दलाल भी है मेरा गाँव का, जिसका नाम राजा नोनिया है, उसका पिता का नाम है विधवा नोनिया, ये वो छब्बू नोनिया है जिसका पिता का नाम है, पिता का नाम नहीं जानते हैं लेकिन कुछ नाम है उसका, और ये वो है पंकज जिसका बाप का नाम नंद नोनिया है, और वो उसका पत्नी वार्ड में उठा हुआ है, जीता हुआ है वार्ड से, और वो दमनगिरी दिखाता है, कहता है कि तुम लोग जमीन पर चढ़ो तो लोग के मर्डर कर देंगे। अच्छा, हम लोग डर गए हैं, बहुत डरे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि अब पुलिस को भी मिला लिया है, थाना जब बोलता है कि जब हम थाना खरीद सकते हैं तो सीनियर एसपी तो मेरा जाते हैं, मेरा कब्जा है, हम जो कहेंगे वो करेगा, जिधर कहेंगे कलम घुमाने उधर घुमाएगा, जो हम लोग डीजीपी साहब को भी खरीद लेंगे, तुम कहीं भी जाओ कुछ भी करो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग के, अब बताइए इस पर हम अब क्या करें आगे। अच्छा, ये जो जमीन का मामला है, टोटल कितना जमीन है? टोटल जमीन अब तो जो मेरा पिताजी खरीदे हैं 1 बीघा जमीन, उस जमीन तो हम लोग का केवाला कर दिए, 3 बहन है हम लोग, गायत्री, सवित्री, हेमंती, तो तीनों पर केवाला कर दिया, जब तक मेरा पिताजी जीवित था तब तक कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ, जब मेरा पिताजी 2014 में मर चुका 8वां महीना में, उसके बाद साल भर के बाद झगड़ा लड़ाई होने लगा, उसके बाद हम लोग कागज खोज खाज के सब ऊपर किए, कम से कम उसमें हम लोग 20-25 लाख रुपया खर्चा किए कागज खोजने में तीनों बहन, और वही कागज हम धर दिए थे रानी देवी को, जो रानी देवी चोरा के, रानी देवी और राजीव नोनिया दोनों चोरा कर भीम नोनिया और प्यारे नोनिया के बेटा के मोहन नोनिया को दे दिया। अब बड़ा बड़ा दमंग खड़ा हो गया है, बालू माफिया, कोयला माफिया। अच्छा, इसके लिए प्रशासन के पास आप गई थी कि नहीं गई थी, जैसे कि थाना में हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सरपंच के पास हो,
इन लोगों से भी आपने जब ये शिकायत की कि हमारे ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, हमारे दियात के द्वारा, कुछ दबंगों के द्वारा, तो वो लोग क्या कहें आपको? वो लोग बोले कि आप लोग कागज लेके आइए, हम लोग कागज भी लेकर पहुँचे, हम लोग अपना कंप्लेंट भी दिए हैं, सीनियर एसपी को भी दिए हैं, सीनियर एसपी लिख के भी दिया थाना में, थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं किया। आज आइए, कल आइए, आज छुट्टी पर नहीं है, आज पुलिस लाइन में है तो आज वहाँ है, मतलब बात को टारते चला दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग उस जमीन पर घर भी बनाने गए, 8-8 फीट का पिलर भी दिए, जो पिलर वो लोग तोड़ दिया, हमसे हमारे पास 55,000 रुपया था वो भी छीन लिया, पिस्तौल भिरा के। मोहन नोनिया, भीम नोनिया का तीनों बेटा, जिसका नाम राकेश नोनिया है, अमित नोनिया है और राजा नोनिया है, ये सब मिलकर हम लोग का जमीन। सरकार से क्या कुछ मदद का आशा करती हैं क्या? अभी हम देख रहे हैं कि आप हाईकोर्ट के पास आई हुई हैं, क्या कानूनन रूप से और क्या सरकार से क्या कुछ गुंजाइश करना चाहती हैं, क्या गुजारिश करना चाहती हैं? वही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग महिला हैं और हम लोग तो ससुराल के भी रहने वाले हैं और नहरा के भी रहने वाले हैं, हम तो दोनों ठैया देख रहे हैं। अब इधर आते हैं तो उधर हमला कर लेता है, जमीन पर कब्जे कर लेता है, कोई दिवाले देने लगता है, तो इसमें हम बहुत परेशान हुए हैं। और दमंग लोग हम लोग के, जिसका जो सब दमंग है, जो जमीन खरीदने वाला है, उसका नाम अभी हम नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे तो फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, झुड़ौना जा नहीं सकते हैं, कभी भी मर्डर करा सकता है, तो इसलिए उसका उन लोग का नाम अभी नहीं देंगे। लेकिन 10 आदमी पिस्तौल के साथ चढ़ा था मेरा जमीन पर, भीम नोनिया, भीम नोनिया के तीनों बेटा, प्यारे नोनिया के दोनों बेटा, दोनों बहुए, भीम नोनिया के पत्नी और राजा नोनिया, छबू नोनिया और ये पंकज नंदेव नोनिया, ये सब लेकर चढ़ा था और बोलता है कि तुम लोग कभी जमीन पर चढ़ गया दीवार देने के लिए तो तुम लोग के लहास यहाँ गिराएगा। मतलब सरकार से यही गुंजाइश आप ये कर रही है, निवेदन कर रही हैं कि जो सुशासन का सरकार है, तो आप एक महिला हैं, असहाय महिला हैं, आपका जो वही जमीन जो है सो कमाने खाने का एक जरिया है, एकमात्र जरिया है, और उस जमीन पे जो कब्जा किया जा रहा है उस कब्जे को हटाया जाए और आपको आपका जमीन वापस किया जाए। वापस किया जाए यार, जो मेरा तीनों पिताजी का जमीन पुश्तौनी है, वो सब जमीन का कागज जो रखे हुए हैं, जो जमीन निकाल निकाल के बेच रहा है, वो कागज नहीं रखे हुए हैं छिपा के, तो जमीन कैसे बेच रहा है? वो कागज को निकाला जाए और समाज में रखा जाए, थाना पुलिस के पास रखा जाए और सुनवाई किया जाए और जो दोषी हो उन पे कार्रवाई किया जाए। अगर जमीन का कागज नहीं निकाल रहा है तो किस आधार पर वो बेच रहा है, बिक्री करने के लिए रोक लगाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि सरकार तक ये आवाज़ जरूर पहुंचेगी और सरकार इसमें जरूर सजगता से आगे आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।